नमस्ते किसान भाइयों, जो ये आप तालाब देख रहे हैं, ये सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में एक बसा हुआ एक नेचुरल तालाब है, जहाँ पे सीप भी है और फिश भी है। हर साल इसमें बहुत पानी रहता था, वो कभी कम नहीं होता था, लेकिन इस बार अकाल पड़ा है और बारिश भी कम हुई तो ये पूरा सूख रहा है। और आप नीचे देख रहे हैं, ऐसी सीपियाँ मरी पड़ी है, तो इधर सीप भी अभी मिलना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी हद तक पूरी मर चुकी है। अभी सीपियाँ बहुत कम बची है और अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा पानी टिक पाएगा तो पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा, पूरा सूखा हो जाएगा और सीपियाँ जितनी भी है वो सब मर जाएगी। तो पर्ल फार्मिंग में ये भी एक चिंता का विषय है, जो अभी सीपियाँ मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, जैसे कि मैंने पहला वीडियो बना था कि सीप के संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं सीप कलेक्ट करते रहता हूँ और डालते रहता हूँ। यहाँ भी मुझे लगा यहाँ सीप है या नहीं मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ मैं सीप डालने के लिए आया था, लेकिन यहाँ देखा तो सीप ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन ये पूरा सूख चुका है, तो मैं जो लाए वो यहाँ नहीं डाल सकता क्योंकि वो पूरी मर जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप जितना हो सके आपके यहाँ कहीं भी जो जैसे वाटर कप है, कोई अलग अलग कंपटीशन होगी जो पानी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जहाँ पे पूरा साल भर पानी रहता होगा, तो प्लीज़ आप वहाँ पे फिश और सीप डाल दीजिए। आने वाले समय में हम सबके लिए काम आने वाला है ये। आशा है आपसे कि आप ये काम जरूर करेंगे जितना हो सके। और इस समस्या के बारे में मालूम है पर्ल फार्मिंग करने वालों जो पहले से लोग कर रहे हैं, तो उनको इसके बारे में पता है, शायद इसीलिए भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर नहीं किया, तो सभी इसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो क्या होगा करके। तो ठीक है दोस्तों, हम जाग चुके हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पहले वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि सिर्फ काम चल रहा था, लेकिन यूट्यूब मुझे बहुत अच्छा माध्यम लगा जो लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ऐसी मरी पड़ी है सीपिया, इसके लिए मुझे काम करना है जो दोस्तों, जरूर काम करना है क्योंकि अभी सीपिया मिलना ही बहुत मुश्किल हो गया है। और जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के सीप है वो हम ऐसे जगह पे डाल देंगे जहाँ पे पूरा पानी रहता हो, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस गंभीरता को समझिए, आने वाले समय में सीप नहीं मिलेगी। जो भाई पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए, आज भले ही उनका सब कुछ अच्छा चल रहा हो लेकिन आने वाले समय में सब कुछ इतना महंगा हो जाएगा कि आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा, मतलब इतना प्रॉफिट भी नहीं रहेगा आप में उसमें जितना आप एक्सपेक्टेशन करते हो। तो दोस्तों ठीक है, मैं इतना प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ जो अच्छी लैंग्वेज में बात करूँ या फिर सिस्टमेटिक तरीके से बात करूँ, लेकिन ठीक है, मेरे कहने की कोशिश आप समझ रहे हैं। और ये पर्यावरण के संवर्धन के लिए काम चल रहा है जो हम किसानों के लिए सबके लिए मददगार साबित हो सकता है। नदियों को साफ सुथरा रखने में सीपी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो हमें मिलकर प्रयास करना है, जितना आप कर सकते हो तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप सब्सक्राइब करें या लाइक करें, लेकिन शेयर जरूर करें क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ये सबके भले के लिए है और आप समझदार है तो आप समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, इसको कोई आपको कोई खर्चा करना है या कुछ बहुत टाइम देना है ऐसी बिल्कुल बात नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ ये सीरियसली लेना है। और कुछ भी अगर दिक्कत आती है मतलब पर्यावरण के बारे में, उसके परिणाम सबको भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए आज हम नहीं जगे तो आने वाले समय में हमें कोई नहीं बचा पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो जो किसानों के काम की चीज़ें हैं, मतलब काम के जो जीव है पौधे है, तो हम सबके लिए उस काम करना चाहिए। ठीक है दोस्तों।
जय हिंद।